डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 6, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। सबसे पहले बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रकाश, प्रकाश के बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया था, मैं अभी बता रहा हूँ प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या बच्चों? एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, जो हमारी आंखों पर क्या करती है, दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, अर्थात जिससे क्या दिखाई देती है, हमें वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश बच्चों हमें कभी भी स्वयं दिखाई नहीं देता, परंतु जो प्रकाश, जो लाइट है, वो क्या करता है, हमें वस्तुओं को दिखाने में सहायता प्रदान करता है। आज हम बात करते हैं बच्चों प्रकाश के तरंग सिद्धांत की। ठीक है, तो भैया प्रकाश का तरंग सिद्धांत है, इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है वेव फ्रंट, तरंगाग। तरंगागन क्या होता है बच्चों? मान लिया हमारे पास कोई बाल्टी है जिसमें हमने पानी भर रखा है, ठीक है, हम उसमें कुछ काल्पनिक रेखाओं की कल्पना करें। मान लिया हमने कोई भी बाल्टी ले रखी है, उसमें हम कुछ रेखाएं की कल्पना कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा क्या कहलाता है बच्चों? तरंगाग्र कहलाता है। तो मैं तरंगाग्र की डेफिनेशन क्या होती है, किसी माध्यम में, कोई भी माध्यम हो सकता है, खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ। काल्पनिक मतलब सिर्फ हम कल्पना कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो। समान कला मतलब जो उनके बीच का कोण है वो बिल्कुल दोनों का क्या हो, एक ही बनना हो, समान कला में हो, जो उनकी दिशा है और उनके जो बीच एंगल बनना है वो दोनों क्या हो, समान हो। तो हमारा क्या बताया, किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, तो बच्चों क्या कहलाता है हमारा? तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने ये कोई पृष्ठ ले रखे है तीन, ये बच्चों हमने यहाँ पे तीन पृष्ठ ले रखे है और हमने इसमें कुछ कल्पनाएं की, कुछ रेखाओं की कल्पनाएं की हमने, तो हम देख रहे हैं बच्चे सभी एक ही दिशा में चल रही है, सभी क्या है, समान कला में है, तो ये क्या कहलाता है हमारा? तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसी तरह यहाँ पे भी देखो तुम सेम कला में निकल रहे हैं, ठीक है, तो ये सब क्या कहलाता है हमारा? तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र बच्चों तीन प्रकार का होता है, एक तो समतल तरंगाग्र, एक गोले तरंगाग्र, तीसरा होता है हमारा वृत्ताकार तरंगाग्र या बेलनाकार तरंगाग्र भी बोल सकते हैं हम। ठीक है बच्चों, तो मैं बता रहा हूँ सबसे पहले समतल तरंगाग्र क्या होता है। हमने कोई ये समतल पृष्ठ ले रखे हैं, ठीक है, इसमें क्या है कि जो भी कल्पनाएं हमने की, ये एक दूसरे क्या, जितनी भी रेखा है कि हमने कल्पनाएं की, एक दूसरे क्या है, समांतर है सभी। इसमें देखो ये काल्पनिक पृष्ठ जो जा रहे हैं, ये भी जितनी भी हमने रेखाएं ली, एक दूसरे क्या है, समांतर है, तो हम इसे क्या कहेंगे बच्चों? समतल तरंगाग्र कहेंगे। दूसरी बात आपके बच्चों हमारे गोले तरंगाग्र, गोले तरंगाग्र कैसा होता है? गोले तरंगाग्र ऐसा होता है बच्चों की इसमें किसी एक बिंदु से हमारी चारों दिशाओं में क्या निकल रही है, इस सभी दिशाओं में क्या निकल रही है, हमारे तरंगे निकल रहे हैं। जैसे हम कभी क्या करते हैं, पानी में अगर हम कोई डलर, कोई भी मिट्टी का या कोई भी पत्थर फेंके, तो उससे क्या निकलते हैं बच्चों? सभी दिशाओं में क्या निकलती है? तरंगे निकलती है। तो हम जहाँ पे हमने वो पत्थर फेंका, उस बिंदु से ही क्या निकलती है हमारी? तरंगे निकलती है। तो ये क्या कहलाता है बच्चों? हमारा गोलीय तरंगाग्र कहलाता है, ठीक है, और ये सभी दिशाओं में चलती है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? गोलीय तरंगाग्र कहलाते हैं। उसके बाद बच्चों होता है हमारा बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र कैसा होता है हमारा? हमने एक बाल्टी ली, बाल्टी में हमने पानी भर रखा, ठीक है, और हम उसमें हाथ से बच्चों ऐसे क्या करें, घुमा दें, तो क्या होने लगेगा, पानी क्या होने लगेगा, घूमने लगेगा। जैसे हमारी वॉशिंग मशीन में होता है बच्चों, पानी क्या होता है, चारों दिशाओं में क्या करने लगता है, घूमने लगता है, तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने तरंगाग्र के बारे में बताया, हमने वेव फ्रंट के बारे में बताया। तो तरंगाग्र क्या होता है? किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, तो बच्चों क्या कहलाता है हमारा? ये तरंगाग्र कहलाता है, वेव फ्रंट कहलाता है। और तरंगाग्र कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का, समतल, गोलीय और कौन सा होता है बच्चों? हमारा बेलनाकार तरंगाग्र होता है। इसके बाद जो बच्चों हमारा टॉपिक आता है वो आता है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस एक डच पोलैंड के वैज्ञानिक थे, डच वैज्ञानिक थे हाइगेंस। उन्होंने सन 1678 ईस्वी में क्या बताया, जो प्रकाश है बच्चों वो किसके रूप में चलता है? तरंगों के रूप में चलता है, तरंगों के रूप में संचरित होता है, और वह प्रकाश की चाल से क्या होता है, सभी दिशाओं में आगे बढ़ता चला जाता है। तो बच्चों डच वैज्ञानिक हाइगेंस ने क्या किया, उस समय सिर्फ यांत्रिक तरंगों का ही सिद्धांत था, जब उस टाइम पे जब 1678 ईस्वी में सिर्फ यांत्रिक तरंगों का ही वैज्ञानिकों को ज्ञान था, तो उन्होंने क्या करा, यांत्रिक तरंगों के लिए प्रकाश के माध्यम की आवश्यकता होती है चलने के लिए, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक माध्यम लिया बच्चों, ईथर। ईथर क्यों लिया,
क्योंकि इधर का जो घनत्व होता है बच्चों, जो द्रव्यमान होता है वो बहुत ही कम होता है, अर्थात इधर जो है भारहीन होता है, ठीक है, और वो सभी दिशाओं में सभी माध्यम में क्या कर सकता है, आसानी से प्रवेश कर सकता है। तो उन्होंने एक पदार्थ लिया इधर, उन्होंने क्या किया उससे प्रकाश गुजारा, और उन्होंने क्या देखा कि जो प्रकाश है सभी दिशाओं में क्या हो गया, तरंगों के रूप में संचरित हो गया, और वह प्रकाश की चाल से क्या करता चला गया बच्चों, आगे बढ़ता चला गया। तो जैसे ही वो प्रकाश किसी माध्यम पे या किसी वस्तु पे टकराया, तो टकराने के बाद वहां से क्या होता है बच्चों, वो परावर्तित होता है, वो परावर्तित होने पर हमारी आंख पर पड़ता है, जिससे बच्चों क्या होती है, हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती है। यही हमें किसने बताया था बच्चों, हाइगेंस ने बताया था। इसके बाद बच्चों हाइगेंस ने तरंगों के लिए, प्रकाश के संचरण के लिए दो व्याख्या की, एक तो परावर्तन की व्याख्या की थी बच्चों, और एक अपवर्तन की व्याख्या की थी। हम वो आपको नई वीडियो में आपको बताएंगे कि परावर्तन की व्याख्या क्या थी और अपवर्तन की व्याख्या क्या थी। दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, दोनों में से एक टॉपिक 5 नंबर में जरूर एग्जाम में मिलता है, ठीक है। तो उससे पहले हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत है उसे आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, तरंगागों को अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है, और उन्हें अपनी कॉपी में क्या करना है, नोट करना है, ठीक है।